तो भाई यहाँ पे पीक पे मेरे साथ और एक बंदा उतरते हैं जो कि मेरे साथ टीम अप करना चाहते थे। तो मैंने भी सोचा ठीक है सोलो मैच जब तो टीम अप कर लेते हैं, तो मैंने टीम अप कर लिया। अब लास्ट तक देखना वीडियो में क्या होता है। यहाँ पे भाई बहुत समय बिताने के बाद मैं नीचे आ गया क्योंकि जोन छोटे हो गए थे और यहाँ पे भाई ज़्यादा बंदा भी नहीं थे और मेरा अब देखा मेरा हेल्थ देखो बहुत कम है ठीक है। और सामने भी एक बंदा है तो मैं सोचता हूँ भाई सामने घर में जाता हूँ, मेडिकिट शायद मिल जाए। तो अब देखो भाई मेरा पीछे पीछे वो बंदे भी आ रहे हैं। भाई यहाँ पे मेरे पास दो गन थे और उस बंदे के पास एक भी गन नहीं थे, तो मैं सोचता हूँ भाई एक गन उसको दे देता हूँ और भाई वो गन ले भी लेता है ठीक है। अब देखो यहाँ पे गलती से उसको छोटी डैमेज पड़ जाती है, तो मैं भाई सोच रहा था भाई मारना दे गन लेके, तो भाई बाद में देखता है भाई वो बंदा मेडिकेट दे रहा मुझे। तो भाई यहाँ पे मेरे पास के कैरेक्टर था और यहाँ पे मुझे एक सामने मशरूम दिखता है, तो मैं सोचता हूँ भाई मेरे पास जब के कैरेक्टर है जो कि ऑटोमेटिक ईपी बढ़ाता है और उसके पास जे कैरेक्टर है, तो मैं वो मशरूम उसको दे देता हूँ और वो भाई वो ले भी लेता है। तो भाई यहाँ पे मैं बीमा शक्ति के उस तरफ जा रहा था, तब तक के लिए एक बंदा मुझे सामने घर के छत के ऊपर दिख जाते हैं। मैं सोचता हूँ भाई इसको मार दूँ, लेकिन भाई अब देखो भाई क्या होता है सीन यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मुझे दिखता है कि वो जो मेरा टीममेट था वो मर चुकी है, वो छत का बंदा इसको मार दिया है। भाई ये देख के भाई मुझे बहुत गुस्सा आती है और मैं भाई उसको मारने जाता हूँ। तो भाई वहाँ पे जो छत का बंदा था वो भाई उस तरफ चला गया है और मैं जब उस घर में गया तो मुझे तुरंत एक EMP मिल जाते हैं यामो के साथ, फिर भाई मैं उसको मारने के लिए उस तरफ जाता हूँ। तो भाई यहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत सारे ग्लोअल दिखता है, ये देख के मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक फाइट हुआ है और मुझे लगता है कि वो बंदा शायद हीलिंग कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट ग्रास्प कर देता हूँ, लेकिन वो एक नेट करता है और फिर मैं उसको काफ़ी डैमेज देता हूँ, वो भी मुझे काफ़ी डैमेज देता है और मैं भाई यहाँ पे थोड़ी देर जाके एक ग्लूअल लगा के मैं भाई हील करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को तो हील हो चुके हैं क्योंकि मेरे पास मैक्सिम था और भाई वो बंदा भाई हील नहीं कर पाते, आप मैं भाई उसको हील करने का मौका नहीं देता हूँ। और यहाँ पे देखो भाई मैं उसको डैमेज देता हूँ, फिर वो उधर जाते हैं, तो मैं भाई वो उधर जाके उसको पूरा फिनिश कर देता हूँ। अब भाई इसको मारने के बाद इसका पेटी से मुझे आगे खेलने के लिए इनफ लूट मिल चुके थे और भाई देखो आगे क्या होता है। तो भाई यहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैं उसी घर में जाता हूँ क्योंकि भाई मुझे फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी और भाई मैं उसी विंडो पे गए थे और यहाँ पे देखो भाई एक बंदा बैठा था वहाँ पे पूरा ओपन में बैठा था और मैं भाई इसको तो पूरा इजीली मार दिया। ठीक है भाई ये गया, अब देखो भाई आगे क्या होता है। अब भाई इसको पेटी लूटने के बाद देखो भाई मेरा टोकन कितना हो चुका है, 39 टोकन हो चुका है भाई। और यहाँ पे भाई हम थोड़ा पेटी लूट रहे थे, तब तक के लिए एक बंदा हमको पीछे से काफ़ी डैमेज देता है, हम यहाँ पे ग्लूअल लगा के मेडिकेट करना शुरू कर देते हैं। तब तक के लिए वो बंदा भाई काफ़ी ओपन में आ चुके थे, हम भाई उसको ड्रैगन अप से एक 86 का डैमेज देते, लेकिन बाकी 3-4 गोली भाई बहुत रिकॉयल हो जाते हैं। अब भाई हम सोचते हैं कि एक नेट कर दे, भाई नेट तो करी लेकिन भाई वो बंदा काफ़ी लेट निकला वहाँ पे भाई यार, उसको काफ़ी डैमेज पड़ी। और यहाँ पे भाई देखो भाई उसके पास क्रोनो था तो भाई मुझे काफ़ी डर लग रहा था और यहाँ पे भाई उसको मैं इजीली मार दिया क्रोनो के अंदर घुस के। अब यहाँ पे भाई मेरे पास देखो कितना ग्लूअल है, मेरे पास 6 ग्लूअल है ठीक है। अब देखो भाई कितना ग्लूअल हो जाएंगे, यहाँ पे देखो भाई मेरे पास 22 ग्लूअल हो चुका है। ठीक है भाई देखो भाई आगे क्या होता है। अब यहाँ पे भाई अब हम जोन में जा रहे थे, तब तक के लिए एक बंदे हमको दिख जाते हैं जो कि सेफ जोन पे जा रहा था। अब देखो भाई इसको ड्रैगन ऑफ से थोड़ी देर डैमेज दिया लेकिन वो बंदा ड्रॉप के उधर चला गया। अब देखो भाई इसको कैसे मारता हूँ। तो यहाँ पे हम ड्रॉप पे देखते हैं तो वो बंदा नहीं है और आसपास भी देखते हैं तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो अब हम ऊपर चल जाते हैं ठीक है। अब देखो भाई कैसे मरते हैं उसको, ऊपर जाने के बाद इसको दिख जाते हैं भाई और इसको एक गोली पड़ने के बाद ही ये मर जाते हैं। अब यहाँ पे सामने और एक बंदे दिख जाते तो भाई ड्रैगन अप से इसको लगातार 3 गोली पड़ते और भाई ये भी मर जाते साथ साथ, और बुया करने के लिए सिर्फ एक बंदे मरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे देखो भाई इस एक बंदे को मरने के लिए कितना दिक्कत होती है। एट लास्ट भाई हमारा हमारा लास्ट महाराज दिख जाते, वो भाई हमारा पेड़ के पीछे से हमको काफ़ी डैमेज दे रहा था और हमने ग्लूअल लगा लिया।
फाइनली ये बंदा आगे आ जाती है और यहाँ पे देखो हम एक नेट कुक करके उसकी तरफ दे थे और वो बंदा आगे आती है, ओपन में आ जाते हैं लेकिन कोई ग्लूअल नहीं लगाते और हम इसको आराम से मार देते हैं। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट और शेयर बाकी आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।